वेलकम एवरीवन। ओके गाइस, हम कर रहे थे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी थी। और मैंने आपको कहा है कि आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपके पास सिनेरियो आता है, सिनेरियो में वो आपको बताते हैं कि हमारे पास एक हाइपरटेंसिव या फिर ओबीस हाइपरटेंसिव लेडी 45 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से वो सिनेरियो बना के देते हैं। और फिर उसमें कहते हैं कि उस लेडी को सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन के साथ उसने प्रेजेंट किया। ऑन एग्जामिनेशन वी सॉ के उसका जो प्यूपिल है वो भी डायलेटेड था, विजुअल एक्विटी बहुत पुअर थी, ऑलमोस्ट मतलब ब्लाइंडनेस थी उसकी सारी की सारी, रिलेटिव आफ्टर प्यूपिल डिफेक्ट प्रेजेंट था। और वो आपको बताते हैं कि फंडस एग्जामिनेशन में पेल फंडस विद चेरी रेड स्पॉट, ठीक है, आपका ये सिनेरियो आता है टिपिकल। तो इसमें फिर आप उसे वो डायग्नोसिस, उसकी मैनेजमेंट और फिर मतलब ऐसी बातें पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो आपको बता दें कि एक तो उनने बता दिया ओबीस लेडी है, हाइपरटेंसिव है, तो मतलब वो उनने आपको बता दिया कि इसमें थ्रोम्बस हो सकता है, ठीक है। फिर उनने आपको बता दिया साथ के उसकी जो एग्जामिनेशन थी, एक तो सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, फिर जब एग्जामिनेशन पे हमें बिल्कुल पेल नजर आ जाएगा अपना फंडस और चेरी रेड स्पॉट सेंटर में, तो आपको समझ आना चाहिए कि दिस इज टिपिकल ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, ठीक है। अब इसमें प्रोग्नोसिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताई थी कि ओसीटी पे हमें थ्रोम्बस नजर आते हैं और एफएफए पे हमें वेसल्स का पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ऑक्लूजन है, जिसकी वजह से आगे की वेसल्स में डाई नहीं आ सकी जो हम डालते हैं फ्लोरसिन डाई, ठीक है। एक होते हैं फिर इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉड्स हम रखते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ कॉर्निया और चेक करती है ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन इन योर रेटिना। आपको पता है रेटिना में गैंग्लियन सेल्स हैं और दूसरे सेल्स हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिनमें चल रही होती है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द रेटिना जो है ना वो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम पे शो होती है, और हमेशा एक ग्राफ की फॉर्म है जिसकी डिफरेंट वेव्स होती है, ए वेव होती है, बी वेव होती है, और भी मतलब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना है कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास रेटिना की परफ्यूजन में मसला आ गया, अब जाहिर सी बात है कि रेटिना की जितनी भी लेयर्स है, पिछली वाली सारी लेयर्स यानी गैंग्लियन सेल लेयर है, आउटर प्लेक्सिफॉर्म आउटर न्यूक्लियर सॉरी इनर प्लेक्सिफॉर्म इनर न्यूक्लियर, उन सब की सप्लाई रेटिना की ही ब्लड से, रेटिना की ब्लड वेसल से आ रही है, जो आपकी ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी यहाँ से आ रही है। तो जब ये आर्टरी ही नहीं रहती, जो ब्लड सप्लाई नहीं रहती, तो जाहिर सी बात है कि इन सब की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में इशू आता है, तो आपकी जो इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है वो नॉर्मल नहीं होता। तो आपके पास एमसीक्यू आता होता है कि डिमिनिश्ड बी वेव किस में आती है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में, तो उसमें आपकी रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, ये आपका एमसीक्यू है, इसलिए मैंने बताया बी वेव डिमिनिश हो जाती है, ठीक है, बिकॉज एक्टिविटी ऑफ द गैंग्लियन सेल्स नहीं होती। अच्छा, उसके बाद प्रोग्नोसिस डिपेंड इस बात पे करते हैं कि क्या कितना ऑक्लूड हुआ है और कितना टाइम हो गया ऑक्लूजन में, और ऑक्लूजन की वजह से कितना डैमेज हो चुका है, ठीक है, मतलब कितनी डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्नोसिस को डिपेंड बताती हैं कि किस हद तक प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर के बाद पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी नियोवेस्कुलराइजेशन हो चुकी होगी, हो सकता है उसका एडिमा इतना बढ़ चुका हो कि हम उसको ठीक ना कर सकें। हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, सबसे पहले तो हमने स्पैज्म ऑफ द वेसल को दूर करना है और थ्रोम्बस को डिसलॉज करना है, मतलब जो कॉज हमें पता चल रही है ना, अगर पेशेंट जो है वो हमें टेस्ट्स बता रहे हैं कि कोई थ्रोम्बस है, तो उस थ्रोम्बस को डिसलॉज करना हमने सबसे पहले काम करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो मजीद एडिमा और मजीद प्रॉब्लम है वो ना हो। तो हम किस तरह से उसको डिसलॉज करते हैं, आपके पास जो थ्रोम्बस की डिसलॉज करने के लिए वी यूज़, हम उसके लिए ना सबसे पहले जो है वो एक काम हमने करना है कि तीन काम बेसिकली हमने करना है, हमने डिसलॉज करना है थ्रोम्बस को, हमने स्पैज्म को भी रिड्यूस करना है, हमने एडिमा को कम करना है। अच्छा, अब एडिमा जो है ना वो मुसलसल होता जा रहा होता है, वो बढ़ता जा रहा होता है, ठीक है, उस एडिमा को रिड्यूस करने के लिए आपने फौरी तौर पर वो एजेंट्स देने हैं जो बॉडी में से आपके एक्सेसिव वाटर को निकालते हैं, जिसमें हमारे पास एसिटाजोलामाइड हम देंगे उसको, मैनिटॉल देंगे, ठीक है, इनकी डोजेज भी लिखी हुई होती है आपकी बुक्स में। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा एडिमा है तो आप डायरेक्ट बड़ी सी नीडल डालते हैं आंख में और आप उस नीडल से रिमूव करते हैं, मतलब जाहिर सी बात है आप लिम्बस से एंटर करेंगे इंटीरियर चैम्बर में और आप रिमूव करेंगे एक्सेस ऑफ द जो फ्लूइड अंदर जमा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, आपका एडिमा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो ऑलरेडी मसला हो चुके उसके अलावा बाकी मसले भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने इसको फौरन रिड्यूस करना है। एसिटाजोलामाइड भी इसको रिड्यूस करते हैं, मैनिटोल आपका इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस करती है, और आपका जो है अगर मसला नहीं तो पैरासेंटिसिस कहते हैं, डायरेक्ट नीडल डाल के आपने फ्लूइड को निकालना है बीच में से। उसके साथ आपने जाहिर सी बात है मैंने कहा थ्रोम्बस को डिसलॉज करना है, थ्रोम्बस या एम्बुलस जो भी था उसको डिसलॉज करने के लिए आप एक तो ये करते हैं कि आप बंद आंखों पे 15 से 20 मिनट आई मसाज देते हैं, ताकि जो भी चीज़ है वो पीछे से अगर फंसी हुई है तो वो रिड्यूस हो जाए, एक तो ये करते हैं।
उसके बाद आप करते हैं कि पेशेंट की जाहिर से उसको डिसलॉज करने के लिए हम ये कर सकते हैं ना कि हम उसकी सर्कुलेशन को बेहतर कर सकते हैं, हम उसकी वैसे उसको डायलेट कर सकते हैं. तो आप अगर सब लिंगुअल आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट दे दें, हमने नहीं पढ़ा हुआ था कि जब हम कहते हैं कि किसी को मैलिग्नेंट हाइपर टेंशन होती है पेशेंट को, जिसका हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे जबान के नीचे रखने वाली एक गोली देते हैं नाइट्रेट की. तो ये वही चीज़ है, ये सब लिंगुअल वही आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है. और ये हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर पेशेंट को स्पैज्म बहुत ज़्यादा हुआ है और उसका थ्रोम्बस किसी वजह से डिसलॉज हुआ है, तो अगर आर्टरीज का स्पैज्म ठीक होगा, आर्टरीज अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगी, तो वो थ्रोम्बस खुद ब खुद ही उधर से चला जाएगा. तो हमने साथ सब लिंगुअल ये देनी है. उसके बाद हमने जो है वो हाई ऑक्सीजन का प्रेशर देना. हाई ऑक्सीजन जब पेशेंट को इनहेल करने के लिए दो, उससे भी आर्टरीज का स्पैज्म रिड्यूस हो जाता है. और आखिर में वी कैन ऑफकोर्स गिव अ स्टीरॉइड. अच्छा, फिर हमारे पास अगर इन सब चीज़ों से नहीं ठीक होता तो फिर हम लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं. NDYAG लेज़र होती है हमारे पास. वो लेज़र जो है ना, जब हम उस पेशेंट को डालेंगे ना, मतलब टूवर्ड्स द आर्टरी डायरेक्ट करेंगे, तो वो लेज़र फौरी तौर पर आपके थ्रोम्बस को डिसलॉज कर देती है. लेकिन हमने वो देने से पहले हमेशा कोशिश करनी होती है कि अगर इसी तरह ठीक हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपकी इसकी ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में आपने ज़ाहिर है अपने मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट को याद रखना है कि हमने तीन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि एडीमा को रिड्यूस करना है, थ्रोम्बस को वहाँ से हटाना है, और स्पैज्म को रिड्यूस करना है. और आपने वो सिनेरियो याद करना है जिससे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन. अच्छा, अब जो ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होती है ना, उसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत लंबी बात नहीं, इतनी ज़्यादा आपके SEQs में नहीं आती. MCQ में कभी आ जाए तो आ जाए, बस इतनी आपने इसमें बात याद रखनी कि इसमें आपको जैसे मैंने वेन में बताया था कि डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी की ब्रांच ऑक्लूड हुई है. कोई मेन ब्रांच अगर जैसे आपका ये आपका फंडस है और ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर आर्टरी मेजर ब्रांचेस में पहले डिवाइड होती है, ठीक है, सपोज चार मेजर ब्रांचेस और फिर ये मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, तो अगर कोई मेन ब्रांच ऑक्लूड होगी तो एक पूरा क्वाड्रेंट या पूरा बहुत बड़ा एरिया इफेक्ट होगा, हो सकता है अदर रेटिना इफेक्ट हो जाए. छोटी ब्रांच ऑक्लूड होगी तो छोटा एरिया इफेक्ट होगा, तो ये डिपेंड करता है. ठीक है. अच्छा, इसमें कॉज क्या होते हैं ऑक्लूजन के? कॉजेज ऑलमोस्ट वही होते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉजेज में एम्बलस है. क्योंकि अगर आपका सपोज करते हैं कहीं पर किसी दूर की आर्टरी में कोई छोटा सा क्लॉट बना था, वो क्लॉट वहां से डिसलॉज हो गया. सपोज कहते हैं किसी कैरोटिड आर्टरी में ही था, वो वहां से डिसलॉज हो गया. डिसलॉज होकर वो आता गया, आता गया, और वो रेटिनल सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में आ गया. अब वो क्लॉट इतना छोटा था, बहुत छोटा था, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इतनी बड़ी है. अब वो इसमें पड़ा हुआ है, इसको तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, वो इससे भी आगे आ जाएगा. इससे वो आगे आ जाएगा, फिर वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ब्रांचेस में आएगा, और ब्रांचेस क्योंकि और छोटी होती है तो वहां पर आकर जाहिर है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंट्रल सॉरी ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन इज देन एम्बुलस. ठीक है. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन इज अ थ्रोम्बस. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है. तो एम्बुलस डिसलॉज हुआ वो आकर इधर कर देता है बीच में ब्लॉक, और ब्लॉक जब वो कर देता है तो उसकी वजह से हमारे पास फिर मजीद सिम्टम्स आते हैं. कि इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? इसमें सडन ऑनसेट, उसी तरह से पेनलेस सडन ऑनसेट, विजुअल लॉस होगा सर्टन एरिया का. ठीक है. आपका हो सकता है कि रेटिना के किसी क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपके ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम हुआ है, तो आपका विजुअल फील्ड में ना पेशेंट कहेगा कि मुझे ये चीज़ या तो ब्लर नजर आ रही है या फिर इतना सा एरिया नजर नहीं आ रहा. सपोज हमारी विजुअल फील्ड है पूरी, हमारी विजुअल फील्ड काफ़ी बड़ी है. पेरीमेट्री पे हम जब विजुअल फील्ड को प्लांट करते हैं तो हमें समझ आती है कि हम सामने भी देख सकते हैं और नज़र में हमारी आसपास की सारी चीज़ें भी होती हैं. तो ऐसे में जब हमारे पास ये ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन का पेशेंट होता है तो वो ये कंप्लेन के साथ आता है कि मुझे किसी एक साइड पे नज़र नहीं आ रहा, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी विजन में कोई एक फील्ड मिसिंग है. ठीक है. तो आपने याद रखना है कि इसके अगर सिनेरियो को भी आएगा भी तो वो आपको सडन ऑनसेट ऑफ पेनलेस विजुअल लॉस होगा, लेकिन इन अ पर्टिकुलर फील्ड. ठीक हो गया. और RAPD तो ज़ाहिर है प्रेजेंट होगा, हो सकता है किसी की हद तक, क्योंकि अगर आपकी कोई भी एक एरिया पूरा नरिश नहीं हो पा रहा, हो सकता है ऑप्टिक नर्व का भी कहीं ना कहीं पर इशू चल रहा हो, तो मतलब हो सकता है, नॉट कंफर्म. फंडस आप देखेंगे तो फंडस में यही है कि आपका जो एरिया इफेक्टेड होगा वो पेल कलर का होगा, बाकी रेटिना नॉर्मल होगा, इफेक्टेड एरिया पेल कलर का हो जाएगा आपका, और उस एरिया की आर्टरीज बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक हो जाएंगी. मतलब जो पहले आपको फीचर्स पूरे रेटिना में मिल रहे थे वो अब आपको उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे. इन्वेस्टिगेशन में आप उसकी विजुअल फील्ड को चेक करेंगे कि कितना मसला है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस जगह पर मसला आ रहा है. और जब आप FFA करेंगे, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, तो आपको साफ साफ वो बता देती है, क्योंकि उसमें आपका सारा ब्लड फैल जाता सारी डाई फैल जाती है पूरे रेटिना में. जो एरिया की कैपिलरीज आर्टरीज में मसला होगा, जिस जगह थ्रोम्बस होगा, उसके बाद वाला एरिया जो है वहाँ पर डाई नहीं आएगी, तो आपको साफ पता चल जाएगा. और ट्रीटमेंट इसकी वही है कि कॉज को हमने ट्रीट करना है, एम्बुलेंस है तो उसे डिसलॉज करना है, मसाज देना है, नहीं तो लेज़र से ही अक्सर औकात हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि
ये माइनर वेसल्स में छोटा एम्बुलस होता है, इतनी आसानी से डिसलॉज होता नहीं है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको डायग्राम्स आप दिखा दूँ आपकी इसकी बुक की दिखाऊंगी, अच्छी बनी हुई अभी तक कोई मसला हुआ देन यू कैन आस्क मी। अच्छा जी, बुक की डायग्राम मैंने इसे प्रेफर की क्योंकि इसको समझना आसान होता है। ये है आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की, इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल पेल है रेटिना और सेंटर में यू हैव अ चेरी रेड स्पॉट, ठीक है ये आपको नज़र आ रहा है पेल रेटिना है, बिल्कुल थिन वेसल्स हुई हुई हैं, ये जो कुछ नज़र आ रही हैं एक दो वेसल्स यही हैं खाली, एंड वी हैव अ चेरी रेड स्पॉट इन द सेंटर। ओके अभी ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में आप देखें इसमें आपको कितना क्लियर नज़र आ रहा है कि बाकी सारा एरिया ठीक है, मतलब ये सारा रेटिना का एरिया परफ्यूज है लेकिन दिस इज़ पेल एंड ओपेक, मतलब यहाँ पर कहीं पर प्रॉब्लम है और यही मैक्यूला के रीजन में क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो हमें चेरी रेड स्पॉट नज़र आ रहा है। याद रखना ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में एक बात कि अगर आपकी कोई ऐसी माइक्रो वेसल या छोटी वेसल ऑक्लूड हुई है जो कि रेटिना मैक्यूला के एरिया में आ रही है, फोविया के एरिया में आ रही है, तो मतलब उस एरिया की वेसल्स में जब डिस्टर्बेंस आएगी तो वो एरिया पेल हो जाएगा, फिर हमें चेरी रेड स्पॉट नज़र आएगा। लेकिन अगर मैक्यूला वाला एरिया में इन्वॉल्व नहीं है, सपोज इस एरिया में प्रॉब्लम आती तो फिर हमें चेरी रेड स्पॉट नज़र नहीं आता। ये फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी की पिक्चर है ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की, इसमें आप देखें ये जो आपको व्हाइट कलर की नज़र आ रही है डाई जो हमने फ्लोरेसिन डाई डाली है सारे एरिया में फैली हुई है जहाँ पर वेसल्स थी, इस एरिया में नहीं क्योंकि यहाँ वेसल्स नहीं थी, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि दिस एरिया इज़ इन्वॉल्व इन ऑक्लूजन। यहाँ पर बात मैं ख़त्म करती हूँ, किसी को कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी, थैंक यू।